न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। 7 साल के बच्चे और उसके पिता की हो गई मौत। रायपुर से बंगाल जा रहा था परिवार, कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 5 लोग हुए घायल। सरकार बोली ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं है। हाईकोर्ट में महाधिवक्ता ने बताया कि आज प्रदेश में 117 आईसीयू बेड और 242 वेंटिलेटर खाली हैं। कोर्ट ने पूछा दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में हालात खराब क्यों हैं। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि इन जिलों में मरीज ज्यादा है, लेकिन आज की स्थिति में यहाँ भी कुछ बेड खाली है। रायपुर में 112 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं और ऑक्सीजन 700 बेड उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना हुआ बेकाबू। प्रदेश में 1.21 लाख एक्टिव केस, एक दिन में 197 लोगों की हुई मौत, इनमें से 120 को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। रायपुर में किराने की किल्लत, थोक बाजार बंद है इसलिए छोटी दुकानों में स्टॉक खत्म हो रहा है। संक्रमित होने के डर और डिलीवरी के खर्च के कारण घर पर सामान नहीं पहुँचा रहे हैं दुकानदार। कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत में थोड़ी राहत मिल सकती है। आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक बड़ी खेप रायपुर पहुंच गई है। हालांकि निर्माता कंपनी ने एक दिन देरी से इंजेक्शन की आपूर्ति की है, वह भी कम मात्रा में। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है इसलिए रहे सावधान। भिलाई में चोरी करने का आया है नया तरीका। रात में कुंडी खटखटाकर अपराधी वारदात को दे रहे हैं अंजाम। कर्मचारियों ने की हड़ताल। दुर्ग सर्किल बिजली विभाग के कॉल सेंटर कर्मचारी हैं नाराज। 2 महीने से नहीं मिला उनका वेतन, इमरजेंसी सेवा का करते हैं काम। छत्तीसगढ़ में करवट बदल रहा है मौसम। सुकमा जिले में आज आंधी बारिश के आसार, बिजली गिरने की भी चेतावनी। अप्रैल में ठंडा हो रहा है मौसम। सक्की बीमारी ने खत्म किया परिवार। बीजापुर में कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या कर जंगल में फेंका शव, पकड़ा गया तो 2 दिन बाद जेल में फंदा लगाकर खुदकुशी की। सीएम ने पीएम से की बात। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की दर पर वैक्सीन उपलब्ध कराने की रखी मांग। जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में राज्य की अड़चन खत्म करने को भी कहा गया। संदिग्ध मरीजों के लिए नया प्रोटोकॉल। रिपोर्ट आने से पहले छत्तीसगढ़ के मरीजों को आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और पैरासिटामॉल लेते रहने की दी गई सलाह। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मास्क लगाने को लेकर 2 लोगों में विवाद खड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक के पेट में त्रिशूल मारकर उसे कर दिया घायल। इसके बाद आरोपी पिता पुत्र मौके से फरार हो गए। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। 2 दिन बाद गुरुवार शाम को जब पीड़ित की हालत में सुधार हुआ तो उसने पुलिस को बयान देकर मामला दर्ज करवाया। मामला कोटा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर हो रहा है संग्राम। अस्पताल में भेजा जा रहा है इंजेक्शन, फिर भी बाहर से मंगवा रहे हैं डॉक्टर। रायपुर सीएमएचओ ने दी कार्रवाई की चेतावनी। कोरोना से जीत गए हम। भिलाई में कोरोना से 76 साल की अम्मा ने जीत ली जंग। हाइपरटेंशन से लेकर डायबिटीज के बावजूद भी 5 दिन में हुई पूरी तरह से रिकवर। डीआरजी के अगवा जवान का सुराग नहीं। बीजापुर में अगवा एसआई मुरली ताली की रिहाई के लिए नक्सलियों के पास जाएगा। गोड़वाना समाज का प्रतिनिधि मंडल पत्नी ने भी की है रिहाई की अपील। कोरोना में सख्ती के साथ गीतों की मस्ती। लॉकडाउन में रात को घूम रहे युवकों से थानेदार ने करवाई उठक बैठक। वही भजन गाने गाकर घरों में रह रहे लोगों का बढ़ा रहे हैं हौसला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बैग को हटा दिया गया है। इनकी जगह पर डॉक्टर संदीप चंद्राकर को नया अधीक्षक बना दिया गया है। डॉक्टर प्रदीप बैग को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। कोरोना को हराकर घर लौटे मीर। अस्पताल में मन उदास होता तो करते थे घर के बच्चों से बातें। दूसरे मरीजों को अपनी कविता गीतों के वीडियो दिखाकर किया करते थे मोटिवेट। कवर्धा पुलिस की सख्ती। लॉकडाउन में बाहर घूमना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवकों से सड़क पर करवाई मेंढक दौड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्चुअल बैठक। सीएम ने कहा कि राजनीतिक दल व समाजसेवी संस्थाएं आगे आए, अन्य राज्यों से आने वालों की हो टेस्टिंग। बघेल जी ने आगे कहा कि कोरोना के मरीजों को उनके जरूरत के अनुरूप रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति अस्पतालों के माध्यम से ही कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों एवं राज्य के सीमावर्ती चेक पोस्टों पर कोरोना टेस्टिंग टीम अनिवार्य रूप से तैनात की जानी चाहिए। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।